गाइस, हेडलाइट रिले कैसे लगाई जाती है वो बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेडलाइट रिले, ये हेडलाइट रिले, इसको हेडलाइट कटआउट भी बोलते हैं, 6 पिन वाला हेडलाइट रिले। ठीक है गाइस, इसमें बहुत सी कंपनी आती है कटआउट की, ये सबसे बेस्ट आपके मिंडा का रहेगा। ठीक है, मिंडा कंपनी का ओरिजिनल आता है, ये लोकल में है, लेकिन ये चल जाएगा 2 लाइटों में इस लगा रहे हैं इसको। अगर 2 से ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप बढ़िया वाला ओरिजिनल लगवाएं। ठीक है, इसके कनेक्शन कैसे देने हैं मैं बता दूं आपको। ये 2 तार हमारे आ रहे हैं लाइटों के, जो अभी हमने नए निकाले। ठीक है, एक डिम का है, एक फुल का है। और लाइट है, मैं बता दूं आपको, ये वाली लाइट है, तो ये वाली लाइटें हैं। इनके तार निकाले, ये दोनों तार, एक डिम का एक फुल का, है ना। और ये है हेडलाइट स्विच डबल वाला, एक बार खींचेंगे डिम में चलेगी, दूसरी बार में फुल में, डिम फुल। ठीक है गाइस, इसके कनेक्शन भी कैसे करने हैं वो भी बताएंगे, और हेडलाइट कटआउट के कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। अभी हेडलाइट कटआउट को हम यहाँ पर कस देंगे गाइस। इसमें आपको इस बोल्ट के साथ में एक ग्राउंड का वायर भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से ग्राउंड का वायर कौन सा है, क्योंकि ग्राउंड में अधिकतर ब्लैक वायर आता है, ब्लैक नहीं है इसमें, ग्राउंड का वायर आप कैसे देखेंगे, जैसे ये पिन है, ठीक है, ये पिन है, तो ये पिन जो ऊंचा हिस्सा है ना, इसके सामने वाला ये है ना लाल, ये करंट का रहेगा, और इसी के पास वाला जो रहता है ना, ये वाला इसी के पास में, ये ग्राउंड का रहेगा। ठीक है, ये दोनों वायर मेन है, एक तो मेन वाला और एक ग्राउंड का। और कभी बाय द वे इसमें भी रेड कलर का नहीं आता है, कलर चेंज आ जाता है कभी कभी, तो इसमें भी अगर कलर चेंज आ जाए तो आपको यही देखना है, ये जो पिन है ना, ये हिस्सा वहाँ, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये पिन है, ये पिन पूरी बनी हुई है इस पर, ठीक है, और इस पर लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ आपके समझ में आ जाए तो ठीक है। एस यानी कि स्विच के वायर लगेंगे, एल यानी कि लाइट के वायर लगेंगे, और यह यहाँ पे एक तो करंट का है और एक माइनस का है। ठीक है, तो अभी माइनस का हम ये वायर है ना, जो ग्राउंड का वायर, इसको साथ में कस देंगे बोल्ट के। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए, लाइट के वायर हमने जोड़ दिए हैं, लाइट के जो हमने बताया 2 वायर, डिम का और फुल का है। ठीक है, तो लाइट के वायर यहाँ से ये इधर वाली लाइन के, जो करंट का जो वायर है ना, उस वाली लाइन के दोनों वायर हैं। आप कैसे भी लगा सकते हो, उल्टे सीधे, लेफ्ट राइट, कोई फ़र्क नहीं आता। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लाइट का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी लाइट 2, तो ये लाइट के वायर ये हैं। ठीक है, बचे कौन से, अपने 3 वायर बचे हुए हैं, 2 तो स्विच के हैं और एक मेन करंट का है। मेन करंट हम कहाँ से देंगे, इग्निशन से, जो वायरिंग से आते हैं ना, ये अपने चाबी का जो इग्निशन का मेन करंट का है, बैटरी का। ठीक है, इसमें से हम करंट का वायर देंगे, इसमें आप वायरिंग को काटेंगे नहीं तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। इस तरीके से वायर घुसा के, वायर का मुंह छील के, वायर इसमें फंसा के, और फिर आप क्लिप को वापस फंसा सकते हैं अंदर। ये मेन करंट का वायर आप कहीं से भी ले सकते हैं, इग्निशन चाबी से ले सकते हैं, बैटरी से ले सकते हैं, या कहीं पे सेलअप से या अल्टरनेटर से, कहीं से भी जो मेन करंट का तार आता है वहाँ से आप भी इसको ले सकते हैं, कनेक्शन को, मेन करंट वाले को। याद रखना, ये करंट का जो है ना, ऐसी जगह से आना चाहिए जो ना तो कोई फ्यूज से हो। ठीक है, क्योंकि अगर फ्यूज से होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, ना कोई स्विच से आना चाहिए, स्विच से भी नहीं होना चाहिए, वरना स्विच ख़राब हो जाएगा, स्विच गर्म हो जाएगा करंट मिलने से। एक दो तार डाल दूँगा, चल, ये मेन है ना, ये लाल में जोड़, काट के इसका यहाँ पे काट के बराबर लेके, ज़्यादा लंबा मत रखना, ये मेन में जुड़ जाएगा। अब कितने वायर बचे हैं, 2 वायर। ठीक है, दोनों स्विच के हैं, तो अब मैं स्विच लगाने का भी तरीका आपको बता देता हूँ। ये स्विच है, ठीक है, हेला का ओरिजिनल स्विच, ना टेप लगा था, तो यहाँ से इसको हम देंगे करंट। ठीक है, आप चाहे तो चाबी इग्निशन ऑन से दे सकते हैं,
या डायरेक्ट भी दे सकते हैं आपकी इच्छा, कि मेरे हेडलाइट चालू होने के बाद चाबी ऑन होने के बाद ही हेडलाइट चलनी चाहिए। अगर ऐसे देना है तो चाबी इग्निशन ऑन से देना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिम का यहाँ लगाएंगे और फुल का यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाई हेडलाइट का और ये डिम का, ठीक है, और ये जो है आर का। अगर आपके ये स्विच अगर पार्किंग में भी सिस्टम करना है तो पार्किंग में इसमें लगाएंगे और हेडलाइट का यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ताकि पार्किंग एक बार चालू करने से चल जाएगी और दोबारा खींचेंगे तब भी चलेगी और इसमें करंट आएगा, ठीक है। जैसे ये स्विच है, एक बार ऑन करेंगे तो इसमें करंट आएगा, ठीक है, और इसमें आएगा, ठीक है गाइस, दोनों में करंट आएगा, इसमें नहीं आएगा। फुल करेंगे तो इसमें आएगा और इसमें आएगा, इसमें बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें इन दोनों में करंट आता रहेगा, एक बार खींचेंगे तो इसमें आएगा, दूसरे में इसमें आएगा, दोनों में आता रहेगा। तो हमें क्या करना है, डिम का जब डिम चले तो फुल नहीं चलनी चाहिए और जब फुल चले तो डिम नहीं चलनी चाहिए, तो इसमें और इसमें दोनों में लगाएंगे। ये पार्किंग का इसको छोड़ देंगे, ठीक है, स्विच के वायर यहाँ से लेंगे, मेन करंट का यहाँ देंगे, ठीक है। हाँ, स्विच पे वायर लग गए हैं, ये यहाँ पे इसको बीच से कट कर दे, दोनों वायर हो जाएंगे स्विच के। हाँ ये ठीक है, ये डिम का हो गया, ये फुल का हो गया। अब ये दोनों स्विच के इन दोनों में लग जाएंगे, दोनों स्विच के बाकी है खाली कटआउट में, बाकी सब लग चुके हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, स्विच काम करने लग जाएगा, ठीक है। इस इनको लगा के टेप वेप लगा दे, बढ़िया चारों मिक्स, हाँ चारों मिक्स नहीं, अलग अलग लगा के दोनों को टेप लगा दे इनके। कौन सा किधर किधर भी लगा दे, कैसे भी लगा दे, ठीक है गाइस। फिर हम आपको लाइट चालू करके बताते हैं। लग गया स्विच यहाँ पे, ये ऑन होगी ये लाइट, बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, दोनों लाइट चल रही है, ठीक है। हाँ डिपर मार, फुल में चल गई है, हाँ फुल में, ये डिप, ओके 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 रेडी। अब यहाँ पे है ना, बढ़िया टेपिंग करके वायरों को सेट कर दें।